किया है। 1984 के बहन महाजी के साथ माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो बताया गया था कि एक बार में मुख्यमंत्री बहन जी को या प्रदेश के हमारे बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री ये उत्तर प्रदेश पे मैं बनाऊंगा। तब सारे लोग ताजुब रह गए थे, हंस रहे थे, मगर माननीय कांशीराम जी ने बना के दिखाया। Okay.
करोड़ पैसे नको आम्हाला बाबासाहेबांचं भारत रत्न हा पुरस्कार दिला पाहिजे आणि या देशातल्या बहुजनांना ओबीसींना जे बाबासाहेबांनी 340 कलम लावलेले आहे जो 340 कलम दिया आहे मगर वो उसकी इम्प्लीमेंट अंमल किया नहीं है वो उसको अंमल करना है। बाबासाहेब ने दिया हुए संविधान के तहत जो अधिकार है वो अधिकार ना कांग्रेस ने हमको दिया ना भाजपा ने दिया और कोई दे नहीं सकता, दे सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के। तो उस वक्त मैं ये बात आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ साथियों क्योंकि Yeah।
जैसे दुश्मनों की है, कम समय अपने पास है, फिर भी आपको सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैं ये ऐलान करना देना चाहता हूँ साथियों कि इस दिवा शहर में आज ये जैसे जयसवाल है, राकेश है, पूरी है, कासर है, दाबाड़े हमारे जिनके है, इन्होंने काफी हद तक यहाँ पे अपना देरी किया, पे धारण किया है, यहाँ पे दरार दी है कि मैं उनके पीछे रात दिन रहूंगा, इनके बाद मुझे हाथ में हाथ में लगा दूंगी। नाम सुने, अरे बाबा बाबा, इनको अगर बीएसपी को ऑफिस देगा
आपको इधर का आमदन भी बीएसपी का आएगा, इसके लिए उन्होंने आपको ऑफिस मनाने के लिए इतनी दहशत है। आप सोचो क्या सोचो कि आप बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, फिर भी पूरे देश के आज जो राज्य के प्रति जो पक्ष है, जो प्रादेशिक पक्ष है, उस सब प्रादेशिक पक्ष में जैसे कि हमारे कलकत्ता का ममता बनर्जी हो, हमारा ये सारे पार्टियों ने बहन को अपना देश का केंद्रीय नेता चुना है, क्योंकि कल आने वाले सब सांसद के दौर पर बहन जी प्रधानमंत्री होके रहेगी। इसलिए मैं भाई आपको कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास पढ़ो, इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए और आगे बढ़ो। आज यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी तो ये सीधा मौलाद करके आपके यहाँ पे आएंगे। मैं ज्यादा कुछ आपको वक्त न लेते हुए फिर से आपको बहन जी के जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और मेरे पूरे आपको जो विराम वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते यही कहता हूँ कि बाबा साहब का जो सपना है वो माननीय कांशीराम जी ने कैसे कुछ हद तक सही किया है और वो जिम्मेदारी आदि रही है वो हम पर छोड़ी है और वो सपना पूरा करने के लिए अगर हम लोग अगर सही में हम लोग अगर यशस्वी रहेंगे तो इस जन्मदिन मनना मनाने का हमको एक मायना रहेगा। इसके लिए हम जल्दोश तो करते हैं, हम जल्दोश करते हैं, मगर होश रखो, हम जब प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे तब जाके सही मायने में बहन जी का जन्मदिन मनाने का हमको सफलता मिलेगी। ज्यादा बात न करते हुए आपको मैं यहाँ उठा